144 पुलिस कर्मियों की 31 पृथक टीमों ने 139 स्थानों पर दबिश देकर 67 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एरिया डोमिनेंस के तहत पुलिस ने जिले भर में चलाया अभियान। अनूपगढ़ एरिया डोमिनेंस अभियान के अंतर्गत जिले अनूपगढ़ में पुलिस ने शनिवार को गैंगस्टर्स, हार्डकोर बदमाशों, गैंगस्टर्स के फॉलोवर्स, आदतन हथियार एंड एमबीपीएस पदार्थों के तस्कर व आदतन बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी रमेश मौर्य ने बताया कि रेंज आईजी ओम प्रकाश के निर्देशों की पालना में जिले में एरिया डोमिनेंस अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले भर में अलग अलग टीम गठित कर एक साथ संयुक्त रूप से बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 144 पुलिस कर्मियों की 31 गठित टीमों द्वारा 139 स्थानों पर दबिश दी जाकर जिले में 67 वांछित अपराधियों व असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में पकड़े गए आरोपी एसपी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान एनडीपीएस एक्ट में नशे के खिलाफ कुल 2 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें 1 किलो 950 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद करते हुए 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह आबकारी एक्ट में 3 प्रकरण दर्ज कर 94 लीटर हथकर शराब बरामद की गयी तथा 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आर्म्स एक्ट में अवैध देसी कट्टे और कारतूस के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वही कार्रवाई के दौरान 31 जनों को शांति भंग में, गिरफ्तारी वारंट में 22 तथा जघन्य अपराध में 1, सामान्य प्रकरण में 1 और 6 आरोपी स्थायी वार्टी के रूप में गिरफ्तार किए गए। अनूपगढ़ से डीएल सारस्वत की खास रिपोर्ट।